पार्वती, मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूं और तुम सोम के। हम दोनों से ही यह अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है, जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरण करने वाले हम दोनों में यदि सचमुच वियोग हो गया तो ये जगत ही निराधार हो जाएगा। पार्वती, ये जगत वाणी और अर्थ के संजोग से बना, तुम वो वाणी हो और मैं उस वाणी का अर्थ हूं। तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए विश्वासपूर्ण बोध से जानने वाला ज्ञान। केवल मैं इस सृष्टि का संहार और प्रलय नहीं करता, एकमात्र आज्ञा से ही संहार और प्रलय संपन्न होते हैं और वो गौरवपूर्ण आज्ञा तुम हो पार्वती। तो हम दोनों में खो देने की संभावना ही कहां है, और यदि खोया भी है तो हमने एक दूसरे को किसी और रूप में पाया है, किंतु उस रूप के मूल में तो केवल मैं हूं और तुम हो। सर्वोपरि प्रेम शिव शंकर, सर्वोत्तम प्रिय पार्वती, सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव, सदा सुहागन पार्वती। स्वामी, हमें बारंबार ये अनुभूति हुई है कि इस संभल को बनाने में हमसे अधिक योगदान आपका रहा है। कभी क्षमा के रूप में, कभी धैर्य के रूप में, कभी प्रेम के रूप में, कभी साथ के रूप में, और आपके समक्ष तो हमारा योगदान न्यून मात्र है। इसके उपरांत आप इतने प्रसन्न कैसे हमारे साथ, सुखी कैसे हैं? क्योंकि मैं तुम्हें जो भी दे सकता हूं तुम उसे स्वीकार करते हो। तुमने मेरे प्रेम को उसके विविध रूपों में स्वीकार किया है पार्वती, सार्थक बनाया है तुमने उसे, और केवल यही नहीं, तुमने तो स्वयं अपने आप को समर्पित कर दिया है। तुमने एक वैरागी शिव को गृहस्थ शिव के जीवन से परिचित कराया है। ऐसे ही हो प्रेम पृथ्वी पर जैसे है शिव पार्वती, सर्वोपरि प्रेम शिव शंकर, सर्वोत्तम प्रिय पार्वती। यदि तुम किसी से प्रेम करती हो तो उससे उसकी स्वतंत्रता कैसे छीन सकती हो? प्रेम का पर्याय है विश्वास। यदि तुम व्यक्ति पर विश्वास करते तो तुम्हें उसकी स्वतंत्र इच्छा पर भी विश्वास करना चाहिए। तुमने आराध्य प्रेम के नाम पर, भक्ति के नाम पर वो सब किया जो प्रेम नहीं, अपितु प्रेम के विरुद्ध है, विपरीत, नियंत्रण, वर्चस्व, पूर्ण अधिकार और नियमबद्धता, ये सभी लक्षण प्रेम के नहीं है अपितु प्रेम के अभाव के हैं। प्रेम के उचित अर्थ की जागरूकता ना होने का है, क्योंकि जहां
रही हो तुम सब बंद प्रेम जोड़ किसे ढूंढ रहा है भ्रमित होके ये चंचल मन। सुनो चबेली तुम भटक गए हो राह यहाँ से जाओ नैनों के ये बांध यूं ही व्यर्थ ना चलाओ। गिरता है जब प्रेम के ऊपर कहीं कोई भी आवरण आता हूं मैं उसे हटाने सिखाने प्रेम का व्याकरण। मैं तुम्हारी करुणा से अत्यंत प्रसन्न हूं। दया और करुणा का प्रतीक हो तुम। पता है आज मैं सारे स्त्री वर्ग को आशीर्वाद देता कि मैं पुरुषों की अपेक्षा तुम्हारी पूजा से सहजता से प्रसन्न हो जाऊंगा। मैं ये वरदान देता कोई भी स्त्री 16 सोमवार मेरी पूजा पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करे मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। और पुरुषों को यह पूजा अपने तप और कठिन परिश्रम से पूरी करनी हो। पति का यह सर्वोच्च धर्म है कि वो अपनी पत्नी को समकक्ष समझे और उन्हें सम्मान्य आदर और प्रेम प्रदान करे। वचन के बिना संबंध में स्पष्टता नहीं आती। संबंध की मर्यादा हम दोनों को भली भांति ज्ञात होनी चाहिए, इसलिए वचन आवश्यक है, नियम आवश्यक है। तो कहिए हम प्रत्येक कार्य में साथ होंगे, परिस्थिति चाहे जो भी हो हम में एकता होगी, हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, आप मेरे कुटुंब की रक्षा करेंगे, आप अपना दायित्व कभी नहीं भूलेंगे, आप मुझसे कुछ भी गोपनीय नहीं रखेंगे, आप मेरी हर बात पर विश्वास करेंगे, कभी संदेह नहीं करेंगे, सदैव मुझसे सत्य कहेंगे, आप केवल मेरे बनकर रहेंगे मेरे साथ। और ये सभी वचन किसी भी परिस्थिति पे आश्रित नहीं। प्रभु ये विवाह मुझे स्वीकार्य नहीं है। प्रभु मैं मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण आपकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी संबंध मेरे भक्ति को विभाजित या बाधित करने का कारण बने। नंदी विवाह तुम्हें मेरी भक्ति के लिए अयोग्य कैसे बना देगा? उसमें बाधा कैसे उत्पन्न कर देगा? माता आपके और प्रभु के बीच में इतनी चुनौतीपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हुई फिर भी आप दोनों स्थिर रहे, किंतु मेरे लिए यह संभव नहीं है माता, क्योंकि मैं अपने दायित्व के मार्ग में कोई भी विकर्षण सहन ही नहीं कर सकता। नंदी मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? पहले तो तुम केवल मेरे प्रति ही समर्पित थे, किंतु अब तुम मेरे साथ साथ पार्वती की भी आराधना करते हो। क्यों? प्रभु माता आपके अर्धांगिनी है, आपकी पूरक, जिस प्रकार आप उनके पूरक है। आप माता के कारण आनंदित रहते हैं,
उनकी उपस्थिति आपको प्रसन्नता देती है, अन्यथा आपको इतना हर्षित उनसे पहले मैंने कभी नहीं देखा है। फिर कुमार कार्तिकेय का जन्म, अशोक सुंदरी का जन्म और फिर हमारे गणेश का जन्म। प्रभु, इस प्रकार मैंने कैलाश को पूर्ण होते हुए देखा है और यह सब माता के कारण ही हुआ है। प्रभु, जिस कैलाश में आप वास करते थे उसे माता ने निवास बना दिया, इस कैलाश को संपूर्ण कर दिया। अर्थात व्यक्ति की पूर्णता हेतु विवाह आवश्यक है नंदी। जैसे स्वामी और हम एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार तुम्हारी अर्धांगिनी और तुम एक दूसरे के पूरक बनोगे। विवाहित जीवन की अनुभूति, परिवार का सुख, उसके सुख और उसकी सुरक्षा के लिए संघर्ष, ये सभी अनुभूतियां व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य है नंदी। किंतु प्रभु, मेरी स्वतंत्रता? स्वतंत्र तो वो नहीं है नंदी जो विवाह के विचार से भयभीत तो होते हैं या संकोच करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता तो वो है जो किसी भी विचार से प्रभावित ना हो, किसी भी सुख किसी भी दुख से प्रभावित ना हो। और जो व्यक्ति इतना तटस्थ हो, जागरूक हो, उसकी स्वतंत्रता को तो विवाह से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। और फिर क्या गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदर, ये सभी विवाह उपरांत परिवर्तित हो गए? क्या उनका विवाहित होना उनकी भक्ति और उनके समर्पण में बाधा बन गया नंदी, उनकी स्वतंत्रता में बाधा बन गया? क्या अपने माता पिता के प्रति उनका प्रेम और उनका सेवा भाव घट गया नंदी? फिर मेरे एक और पुत्र को ये चिंता क्यों? ये भय क्यों नंदी? साधना नकारात्मक अवश्य हो सकती है पिपला, किंतु उपलब्धि तो विधायक होती है। साधना में अंधकार को खोना और प्रकाश को पाना है पिपला, असत्य को खोना और सत्य को पाना है। नकारात्मक शब्द तो इस बात के सूचक है पिपला, अहिंसा ही सब का मूल स्वभाव है। हिंसा तो केवल दुख देती, और कोई भी व्यक्ति दुख चाहे ये संभव नहीं। इसलिए जो हिंसक है वो भी प्रतिपल हिंसक नहीं रह पाता। सभी के उद्धार के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, भक्ति का उचित मार्ग बताए हमें, ताकि मेरी भांति दूसरा कोई भूल ना करे। भक्ति मुक्ति का आधार है पुष्पधर, और मुक्ति तो केवल समर्पण से ही संभव होगी, और समर्पण के लिए पुष्प नहीं, स्वर्ण नहीं, आभूषण भी नहीं, रत्न नहीं, धन नहीं, विधि विधान नहीं, ये
केवल अपने मन को अर्पित करना अनिवार्य है। जानना चाहते हो पुष्पधर कि वो कौन से पुष्प हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय है? इंद्रियों का नियंत्रण, दया, चांद, तप, क्षमा, ध्यान और सत्य। और जब कोई मेरे इन पुष्पों से आराधना करे मैं अवश्य प्रसन्न होता हूं। भक्ति में भव्यता आवश्यक नहीं है पुष्पधर, अभी तो सरलता आवश्यक है। भक्त के लिए ये समझना अत्यंत कठिन हो जाता है, प्राय भक्ति कब मोह में परिवर्तित हो जाती है। और ऐसे में पथ भ्रमित होना अनिवार्य है। इस संसार में, समाज में व्यक्ति का पद जितना ऊंचा हो, उसके कर्मों के परिणाम उसके पद के अनुपात में ही संसार को प्रभावित करते हैं। इसलिए समाज में उच्च पदों पर विराजमान व्यक्तियों को सदैव अपने दायित्व का स्मरण रखना चाहिए। उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि वो अपने पद की गरिमा को क्षति पहुंचाते हैं तो उनका पतन निश्चित है। एक संबंध की सफलता वो है जब शब्दों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, केवल आभास रहे, विश्वास रहे, जागरूकता रहे, संतोष रहे, बिना कहे ही दोनों एक दूसरे की बात समझ लें। अवश्य स्वामी, और दाम्पत्य जीवन के सफल होने का ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण भी है। फिर भी मुझे आभास हो रहा है पार्वती कि मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि मैं कितना धन्य हुआ हूं तुम्हें पाकर। मैंने कभी तुम्हारे प्रति आभार व्यक्त नहीं किए स्पष्ट शब्दों में। आप क्या कह रहे हैं स्वामी? वही जिसका आभास मुझे प्रतिपल प्रतिदिन रहा है, किंतु मेरे शब्दों में यह भाव कभी भी स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित नहीं हो सके। मैंने कभी तुमसे धन्यवाद नहीं कहा, जबकि मुझे निरंतर इस बात का बोध होता रहा कि मेरी ये यात्रा तो तुम्हारे बिना संभव ही नहीं होती। एक वैराग्य जिसे तुमने गृहस्थ जीवन के सुख से परिचित कराया, अपने सानिध्य से परिपूर्ण किया, संतान का सुख दिया, पिता बनने का सुख दिया। यदि मैं पिता न बनता तो पिता मां बनने का सुख कैसे प्राप्त होता? पार्वती, तुम्हारे आगमन से केवल मुझे ही नहीं समस्त संसार को, कैलाश को एक नया अर्थ मिला है। स्वामी, कृतज्ञता व्यक्त करके आप हमें ऋणी बनाना चाहते हैं? कृतज्ञ तो हमें होना चाहिए। आप तो सदैव संपूर्ण थे और संपूर्ण रहेंगे। इसके पश्चात आपने हमें हर रूप में स्वीकार किया और हमारा जीवन परिपूर्ण किया। हमने ऐसे कई निर्णय आपकी इच्छा के विरुद्ध लिए। हमारा वहां बिन बुलाए जाना उचित नहीं होगा सती।
हमारे वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा दक्षा ही। अहित अहित अहित, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो मेरे पिता नहीं मेरे शत्रु हो। ठीक है, आपको यदि मेरे साथ नहीं आना है तो मैं आपके बिना ही चली जाऊं। नहीं सती, मैं कदापि तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। आपको मेरी सौगंध, आप मुझे रोकेंगे नहीं। यदि वहां जाने से मेरा अहित होगा तो आप मेरा अहित होने के बाद आइएगा। आपको मेरी सौगंध है महादेव। सती, आप रुष्ट भी हुए किंतु कभी भी आपने स्वयं को हमसे न पृथक किया और न होने दिया। तुमसे पृथक अपने आप को दंडित करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी पार्वती। नहीं स्वामी, हमें आभास है हमने आपको बहुत दुख दिए हैं, और जब आभार व्यक्त करने की बात हो सकती है तो क्षमा की क्यों नहीं। रुक जाओ, महत्वपूर्ण ये वृक्ष, इन्हें काटना बंद करो। ये वृक्षों में छांव देते हैं, फल देते हैं। वृक्षों के बिना इस पृथ्वी की कल्पना संभव नहीं। इनका संरक्षण किया जाना चाहिए, हनन नहीं। हम सभी को इनका संरक्षक बनना होगा। हम अपनी आवश्यकता हेतु इनका उपयोग करते हैं, ये क्या अनुचित है? ये आवश्यकता किसने उत्पन्न की? किसने बनाया इनको? तुम ये सोचते हो कि तुम शक्तिशाली हो और ये वृक्ष असहाय है? यदि तुम प्रकृति के साथ अन्याय करोगे तो प्रकृति अपना प्रचंड रूप धारण कर तुम्हें दंडित करेंगे, और उस दिन इस संसार में तुम्हें अपनी नग्नता का बोध होगा। प्रत्येक वृक्ष को वर्षों लग जाते हैं उगने में, विकसित होने में, अपनी पूर्णता प्राप्त करने में। उसके पश्चात वो हमारा पोषण करते हैं, निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करते हैं। हम स्वयं इनका शोषण कैसे कर सकते हैं? तुम अपने आप को मनुष्य कहते हो। मनुष्य तो विचारवान होते हैं, संवेदनशील होते हैं, जो अपने स्वार्थ हेतु वनस्पति और जीव जंतुओं का शोषण करे वो कैसा मनुष्य? जो तुम कर रहे हो वो प्रकृति पर अत्याचार है, और अत्याचारी सदैव अत्याचारी ही होता है। अपनी प्राकृतिक संपदा की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का उत्तरदायित्व है। यदि ये वृक्ष विरोध नहीं करते हैं, उलाना नहीं देते, तो तुम सबने ये समझ लिया कि इन्हें कष्ट नहीं होता। यदि इन वृक्षों को काटने पर रक्त नहीं निकलता तो तुम सबने ये समझ लिया कि इन्हें पीड़ा नहीं होती। किंतु क्या कभी तुम सबने ये सोचा कि एक वृक्ष काट कर तुम प्रकृति से उसकी संतान छीन लेते? एक वृक्ष को काट कर तुम न जाने कितने ही पक्षियों से, पशुओं से उनका आश्रय छीन लेते। भूल हर माता पिता से होती है और सदैव होती रहेगी, क्योंकि कोई एक मार्ग निर्धारित कहां है। प्रत्येक संतान भिन्न होती है, प्रत्येक माता पिता भिन्न होते हैं, उनके अनुभव भिन्न होते हैं। आवश्यक ये समझना है कि संतान को पोषण चाहिए, संरक्षण चाहिए, शरीर के लिए, मन के लिए, उसके आत्म सम्मान के लिए। संतान के लिए यह जानना आवश्यक है कि माता पिता को उस पर विश्वास है या नहीं, माता पिता का उसके प्रति व्यवहार कैसा है।
इससे संतान अपना मूल्यांकन करती है। उन्हें सम्मान दो, उन्हें स्वतंत्रता दो, उन पर विश्वास करो। अच्छे आहार, अच्छे विचार, अच्छे संस्कारों से उनका पोषण करो। फलने दो उन्हें, विकसित होने दो और उनके मंगल की कामना करो। संतान की जिज्ञासा को धैर्य के साथ, सही तर्क और उत्तर के साथ संबोधित करना अति आवश्यक है। यदि माता पिता ही उत्तर ना देकर क्रोधित होंगे तो संतान की जिज्ञासा संभवतः उन्हें ऐसी दिशा में ले जा सकती जो उचित ना हो। जन्म देना ही माता पिता का एकमात्र कर्तव्य नहीं होगा, उन्हें अपनी संतान के व्यक्तित्व का सुधार भी करना होता है। सदैव माता पिता पर आश्रित रहने से संतान की उन्नति संभव नहीं होती। उसे अपना मार्ग, अपना उद्देश्य स्वयं ढूंढना होता है और माता पिता द्वारा अपनी संतान को अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोकना यह अनुचित है। दंडवही जो अपराधी की आपराधिक प्रवृत्ति को परिवर्तित कर उसे न्याय और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति बना दे। भाग्य तो स्वयं कर्मों से ही निर्धारित होता है। हमें ज्ञान चर्चा का विषय मिल गया है। तो प्रश्न ये है कि हमारा भाग्य हमारे कर्म निर्धारित करता है या हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं? जब भी हम अपने अतीत की ओर देखते हैं तो मन में यही प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम जिन परिस्थितियों में हैं, क्या उसका मूल कारण हमारे कर्म है या हमारा भाग्य? किंतु कर्म और भाग्य एक दूसरे से पृथक नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। कर्म से भाग्य निर्धारित होता है और जो भाग्य हम अपने कर्म से अर्जित करते हैं वही भविष्य के कर्मों का आधार बनता है। इस समय ये पंख इस सभागृह के वायु पे आश्रित है। आप सभी के श्वास इसकी दिशा परिवर्तित कर सकती है। इसकी अपनी इच्छा कुछ भी नहीं, ना ही इसमें अपनी दिशा स्वयं निर्धारित करने की क्षमता है। उड़ते उड़ते कीचड़ में गिर जाना इस पंख का भाग्य हो सकता है, किंतु हमारे द्वारा कर्म ना करने के कारण किसी कठिन परिस्थिति से गिर जाना इसका दोष हम केवल भाग्य को नहीं दे सकते। क्योंकि हमें अपने विवेक से कर्म करने की क्षमता प्राप्त है। यदि हम कर्म नहीं करते तो उसका फल हमें भुगतना ही होगा। भाग्य प्रबल हो तो वो हमारे कर्मों को प्रभावित करता है, किंतु ये भी सत्य है कि कर्मों की प्रबलता हमारे भाग्यों को परिवर्तित करने में सक्षम होती है। किस मार्ग का चयन करना है ये केवल हम पे निर्भर करता है। किंतु कर्म और भाग्य में कौन अधिक महत्वपूर्ण है? कर्म, क्योंकि कर्म ही सौभाग्य को दुर्भाग्य बना सकता है।
और दुर्भाग्य को सौभाग्य में कर्म ही परिवर्तित कर सकता है। किंतु कर्म से मेरा तात्पर्य कर्म की पूर्णता है। जिस प्रकार केवल जन्म देने से माता पिता का कर्म पूरा नहीं होता, अपनी संतान का पोषण करना, उसे इस योग्य बनाना कि वो संसार में आत्मनिर्भर हो सके, ये भी तो माता पिता का ही कर्म है। संतान को संरक्षण देना, अच्छे संस्कार देना, उसे उसके दायित्वों के प्रति जागरूक करना या सक्षम बनाना, ये भी माता पिता का ही कर्म है। कर्म को मात्र एक औपचारिकता नहीं बल्कि धर्म समझ के उसका निर्वाह करना, यही अच्छे भाग्य का, अच्छे भविष्य का बीजारोपण करता है। श्री गणेश की जय। श्री गणेश की जय। तुमने कहा कि कर्म और भाग्य के मार्ग का चयन करना हम पे निर्भर करता है। किंतु यदि कोई चयन करने के मार्ग का चुनाव ही ना करे तो क्या? यदि इस पंख के लिए इसका महत्व ही ना हो कि वो कीचड़ में गिरा या किसी के शीर्ष पे अलंकृत हुआ। कर्म और भविष्य के मार्ग से पृथक होकर एक मार्ग और होता है। वैराग्य का मार्ग। संसार अनेक युगों तक कर्म और भाग्य की प्रबलता पर विमर्श करता रहेगा और ऐसे विमर्श समाज की उन्नति में सदैव सहायक सिद्ध होंगे। ना सम्मान का मोह ना ही अपमान का भय, अर्थात एक ऐसी दशा जिसका होना ना होना किसी भी परिभाषा के परे है। महादेव की जय। श्री गणेश की जय। श्री गणेश की जय। सबकी मंशा मेरे भोजन में परिवर्तन लाने की। जी हाँ प्रभु, और इसका हमारे समक्ष ठोस कारण भी है प्रभु। विवाह उपरांत आपका जीवन सभ्य समाज की संगति में व्यतीत होने वाला है और सभ्य समाज में अपक्व भोजन को हे दृष्टि से देखा जाता है प्रभु। इसीलिए अब आप पकवान ग्रहण करके सामाजिक जीवन का आनंद लीजिए प्रभु। आप देवता का अनुष्ठ जीवन पद्धति को तिरस्कृत कर जो कि आपके अनुरूप और जो आपके अनुकूल ढल जाए उसे आप सभ्य की संज्ञा देते है ना इंद्र? देव इसे कृपया अन्यथा ना ले प्रभु, परंतु देवराज के कथन में कुछ सत्य अवश्य है। पकवान का सामूहिक रूप से ग्रहण करना यह सभ्य समाज का अभिन्न अंग है। अब आप भी इसे अपना ले तो इसमें हानि क्या है प्रभु? ऐसे भोजन से केवल हानि ही हो सकती है देवर्षि नारायण। सर्वप्रथम ऐसे भोजन के उत्पादन हेतु जो कि सभ्य समाज का भोजन है और वन्य प्रदेश का विनाश कर उसे खेतों में परिवर्तित करते
जिससे उसके संरक्षित जीव जंतुओं का भी सर्वनाश होता है। हम अपने शरीर का पोषण करने हेतु जीव जंतुओं की हत्या करते हैं, खेतों को सिंचित करने हेतु नदियों के प्राकृतिक बहाव को कृत्रिम साधनों से रोक देते हैं। इससे विपदा और अकाल की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका सदैव बनी रहती है, जल जीवन का भी सर्वनाश होता है। तत्पश्चात उस अन्न को पकाने हेतु हम वृक्षों को काटकर ईंधन की आवश्यकता पूरी करते हैं। और पकाने की प्रक्रिया में उसके सारे पोषक तत्वों का सर्वनाश कर देते हैं। नहीं देर राज, अपने पोषण हेतु मैं अन्य जीव जंतुओं की हत्या कदापि नहीं कर सकता, यह असंभव है। वो व्यापारी जिसके पास इस संसार में जीवन निर्वाह हेतु सब कुछ था, उसके पास घर था, छोटा था किंतु उसके परिवार के लिए पर्याप्त था। उसके छोटे से परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भोजन और धन की भी कोई कमी नहीं थी, किंतु व्यापारी सदैव और धन संपत्ति संचय करने की चिंता में डूबा रहता था। सब कुछ होते हुए भी वो सुखी नहीं था, क्योंकि वो यही सोचता रहता था कि उसके पास क्या क्या नहीं। एक दिन किसी ने उसे बताया कि नारायण के वरदान से सब कुछ मिल सकता है। धन के लोभ में वो नारायण की तपस्या करने निकल पड़ा। ओम विष्णुवे नमः। और इस प्रकार वो कई वर्षों तक नारायण की तपस्या करता रहा। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। वत्स, प्रभु मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? प्रभु प्रभु मुझे समस्त संसार की भूमि चाहिए। संसार में जितना भी धन है सब मेरा हो जाए। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं तुम्हें इतना सब कुछ क्यों चाहिए? मैं सुखी रहना चाहता हूँ प्रभु, और धन संपत्ति ही सुख का माध्यम है। किंतु संसार की परिभाषा हर किसी के लिए भिन्न होती है वत्स। कुएं में बैठे मेंढक के लिए वो उसका संसार होता है। तुम बताओ वत्स, तुम्हारे लिए संसार की क्या परिभाषा है? सब कुछ प्रभु, जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है वो सब कुछ संसार ही तो है प्रभु। उचित है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जितना भी संसार तुम अपने नेत्रों से स्वयं देख सको वो तुम्हारा होगा, किंतु जो तुम नहीं देखोगे वो तुम्हारा नहीं होगा। अब इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति मैं बन जाऊंगा प्रभु, सबसे सुखी भी। सब मेरा, ये सब भी मेरा। उसने सोचा यदि वो दौड़ के समस्त संसार को देख ले तो वरदान अनुसार सब उसका हो जाए।
यहां से वहां वहां से यहां, वो चारों दिशाओं में भागने लगा। जो भी दिखा वो उसे अपना बनाता गया, किंतु उसका लालच कम नहीं अभी तो और बढ़ता है। निरंतर भागते रहने के कारण शीघ्र उसका शरीर उसका साथ देने में असमर्थ हो गया। इस प्रकार उसके पास केवल उतनी ही भूमि रही जिस पे उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। महादेव, महादेव! अकेला उसके पास उसके परिवार का सुख भी था, किंतु उसने उसका आनंद नहीं उठाया। इसलिए सुखी जीवन हेतु धन की प्रचुरता नहीं अभी तो अपनी इच्छा और आवश्यकता में अंतर समझना अनिवार्य है। किंतु पिताजी, कुछ व्यक्ति अहिंसा का व्रत कर रहे हैं, किंतु अधिकांश व्यक्ति तो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर घूम रहे हैं। शरीर की रक्षा के लिए बड़े दुर्ग बनाए जा रहे हैं, कवच बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं योग और शुभता के कवच का त्याग कर दिया है पुत्र, क्योंकि अब शुभता उनके लिए जीवन को जीने का आधार नहीं रह गई, क्योंकि योग तो अब केवल उनके लिए कठिन सी साधना है। जो व्यक्ति जो समाज योग से और साधना से जितना विमुख होगा वो समाज आत्मरक्षा के लिए कवच दुर्ग और अस्त्रों और शस्त्रों के निर्माण हेतु सदैव विवश होगा। व्यक्ति के अंतर मन से शुभता जितनी ही क्षीण होती जाएगी, योग की अग्नि जितनी कम होती जाएगी, उसके जीवन में अंधकार की अग्नि भी उतनी ही प्रचंड होती जाएगी। समाज में ऐसे अभिमानी और अहंकारी व्यक्तियों की संख्या सदैव बढ़ती रहेगी पुत्र। समाज में उतनी ही तीव्रता से युद्ध और अस्त्रों के अनुनाद की दिशा में अग्रसर होगा। किंतु पिताजी, जो समाज योग शुभता से विमुख होता जा रहा है उन्हें कैसे लौटाया जाए? प्रयत्न चाहे एकमात्र किसी के भी धरातल पे चले, जब तक सृष्टि के किसी भी अंश, जब तक एक प्राणी की शुभता और योग के द्वारा इस समाज को संचालित करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा, जब तक वो शुभता और योग को केवल शोभा की वस्तु नहीं समझेगा, तब तक सृष्टि शुभता की पराजय असंभव है पुत्र। तब तक योग बल और शुभता का समापन नहीं हुआ। परिस्थितियां कैसी भी विकट हो पुत्र, अहंकार के अंधकार का आवरण चाहे कितना भी घना, आध्यात्म योग और शुभता का एक लघु दीपक भी सदैव उस पर विजयी होता रहेगा। मेरा ये कथन सदैव स्मरण रखना पुत्र, मन के हारने से हार और मन की जीत में ही जीत होती है। अपने मन से शुभता और योग को तुम कभी भी विस्थापित नहीं होने देना।
तीन प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। स्थूल शरीर वो है जो हमारे अंग, उपंग, जो प्रत्यक्ष, जिसे स्पर्श किया जा सकता है, और सूक्ष्म शरीर अप्रत्यक्ष है, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता किंतु उसकी अनुभूति अवश्य होती है। मृत्यु में स्थूल शरीर का अंत होता है किंतु आत्मा का नहीं होता, और आत्मा के चारों ओर एक शरीर और होता है जो चेतन, अवचेतन और अचेतन मन का अवशेष होता है। अतृप्त इच्छाओं का और वासनाओं का कोष होता है, और यही तीसरे प्रकार का कारण निमित्त बनता है अगले जन्म का। चहचहाने वाली चिड़ियों का गान हमेशा प्रसन्नता का गान नहीं होता, दुख, पीड़ा और मोह ये सब अलग नहीं, एक समान। तुम्हारा मोह ही तुम्हारा दुख और तुम्हारे मोह का त्याग तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी कर सकता है। का साक्षात सामने होना मन को भटकने नहीं देता, किंतु जो सच्चे भक्त हैं भगवान तो उनके मन, उनके हृदय में निवास करते हैं। जिनके हृदय में श्रद्धा है उनके लिए पूजा करने हेतु अपने आराध्य का साक्षात सामने होना अनिवार्य नहीं। वो तो अपने मन के नेत्रों से प्रतिपल उनके दर्शन पा रहे हैं। उनकी प्रत्येक अनुभूति में भगवान है। सत्य तो शाश्वत है, सत्य ही संसार में संतुष्टि और सुख का माध्यम है। तो सत्य से विमुख वो सदैव दुखी रहता है जिसने भ्रम का मार्ग अपनाया, वो आजीवन ढूंढता रहता है। किंतु विडंबना यही कि उसे ये ज्ञात ही नहीं कि वो ढूंढ क्या रहा है। सत्य तो यही कि तुम एक दैत्य अंश हो। जन्मोपरांत तुम सबने अपने आप केवल मनुष्य मान लिया, और यही विस्मरण तुम्हारे कष्टों का कारण है। तुमने अपने शरीर को ही सत्य माना। लोभ, भय, शंका, असुरक्षा, छल, इन सब को अपने जीवन का आधार बना। महाशिवरात्रि का व्रत विशेष फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को रखने से पुरुषों की सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। स्वागत स्त्रियों का स्वाद हमेशा बना रहा है, और कुमारी लड़कियों को
मनचाहा वर मिलेगा। पुत्र और पुत्री में भेद करना उचित नहीं, किंतु तब भी कुछ व्यक्ति ऐसी मूर्खता कर बैठते हैं क्योंकि वो कन्या की महिमा से अपरिचित है, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाते कि कन्या का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, क्योंकि कन्या जीवनदायिनी है, वो जननी है और जननी तो केवल सत्कार के योग्य होती है, उपेक्षा की नहीं, उसका तिरस्कार नहीं किया जाता। एक कन्या विवाह के पश्चात दो कुलों को जोड़ती है, परिवार की स्थापना है तो एक कन्या की भूमिका पुरुष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है, और जब परिवार से परिवार जुड़ते हैं तो समाज की स्थापना होती है। पुत्री को परिवार में समाज में वही स्थान मिलना चाहिए, वही अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो एक पुत्र को प्राप्त होते हैं। प्रेम क्या है बताइए महादेव, कृपया बताएं कि प्रेम का रहस्य क्या है, क्या है इसका वास्तविक स्वरूप, क्या है इसका भविष्य? प्रेम क्या है ये तुम पूछ रही हो पार्वती? प्रेम का रहस्य क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है? तुमने ही प्रेम के अनेक रूप उजागर किए हैं पार्वती, तुमसे ही प्रेम की विभिन्न अनुभूतियां होंगी। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर नहीं था। क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग मुझसे दूर चली थी मेरा जीवन मेरा संसार मेरा दायित्व सब निरर्थक और निराधार हो गया, मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी, अपने से दूर कर तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया पार। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का पूर्ण हो जाना यही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनः मिलन करवाने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना, हर संभव षड्यंत्र रचना, हमारा सीन प्रेमी तो है, तुम्हारा पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेगा मेरे एकाकी पर और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकलने के लिए विवश करना और मेरा विवश हो जाना, ये प्रेमी तो है। जल में प्रतिबिंबित होता है जो जल शांत फिर यही तो समस्या होती है मन की, मन कभी भी शांत नहीं हो पाता है, जहां शांति नहीं वहां कुछ भी नहीं रुकता, समुद्र की लहरों की भांति विचारों का उपद्रव मन को निरंतर स्थिर रखता है,
कुछ भी सुनने और समझने के लिए मन का मौन रहना आवश्यक है, किंतु मन मौन रहना नहीं चाहता, वो तो निरंतर कुछ ना कुछ कहता रहता। प्रतिपत्ति शब्दों का आक्रमण चलता रहता है मन पर, और यही आक्रमण है जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता। जहां जीवन की सत्यता का बोध उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता। मैं वो हूं जो नहीं है, जो नहीं है वो मैं हूं। चिरकाल तक सभी को यह स्मरण रहे, जब आप में श्वास है देव देव महादेव शिवा, देव देव और जिस क्षण आप में श्वास नहीं तब आप कुछ भी हैं। देव शिवा, देव देव। सत्य को जानने के लिए वन में जाना अनिवार्य नहीं है, निजी पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का परित्याग भी आवश्यक नहीं। सत्य तो सदैव हमारे साथ है, हमारे सामने है, किंतु हम स्वयं धीरे धीरे उसमें अपने क्रोध, अपने अहम भय, विचार और महत्वाकांक्षाओं जैसे कई आवरण चढ़ा देते हैं। सत्य हमसे नहीं, हम स्वयं सत्य से दूर हो जाते हैं। जहां ना अमृत ना विष, ना सुख ना दुख, स्वर्ग ना नरक, वही परम आनंद है। उसी परम आनंद तक की यात्रा है तुम्हारी। ये यात्रा आनंद के सानिध्य की है, ये यात्रा सानिध्य के आनंद की है, और इस यात्रा में मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ हूं। मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो, तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम, हर आरंभ का मैं ही अंत हूं, और हर अंत सदैव मेरा ही आरंभ होगा। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा। तुम्हारे साथ छल तुम्हारी अपनी इच्छाओं ने किया है, तुम्हारे हाथ ने किया है, तुम्हारी अपनी सोच ने किया है। ये रहस्य नहीं कि प्रत्येक आत्मा मुक्ति की इच्छुक होती है। पंचभूतों से निर्मित शरीर, किंतु आत्मा, आत्मा तो अजर है, अमर है। जिसकी यात्रा मोक्ष पर संपूर्ण होगी, सांसारिक बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, सारी
इच्छाएं लुप्त हो जाती, किंतु तुमने तो कभी सत्य की खोज ही नहीं की। तुम तो सदैव उन तत्वों को ढूंढते रहे जो तुम्हारे अहंकार के पोषण हेतु आवश्यक थे। किंतु सत्य तो यही है कि ना कोई तुम्हारा है और ना तुम किसी के, जो है वो परमात्मा का है और जो नहीं वो भी परमात्मा का ही है। इस शरीर में तुम इस सत्य से अनभिज्ञ हो, किंतु इस शरीर के पूर्व तुम्हें इस सत्य का बोध था और इस शरीर के पश्चात भी रहेगा। प्रश्न ये है कि क्या तुम इस सत्य को अभी स्वीकार करना चाहते हो? यदि करते हो तो परिवर्तन का मार्ग स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। आजीवन तुम प्रत्यक्ष को ही सत्य मानते रहे, परोक्ष सदैव महत्वहीन रहा। तुम्हारे पास यही अवसर है उस भूल को सुधारने का। भक्ति हेतु यदि कुछ अनिवार्य है तो केवल भक्ति ही। किंतु प्रश्न ये है कि क्या आपकी भक्ति संपूर्ण है? विश्वास और भ्रम के बीच की रेखा अत्यंत महीन होती है। असंख्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि उनका विश्वास विश्वास है या भ्रम। मुझ तक पहुंचने के लिए किसी और की आराधना अनिवार्य नहीं। मेरे सच्चे भक्त तो मुझे किसी भी रूप में पूज सकते, किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते। ओम नमः शिवाय। पुरुष और प्रकृति एक है, वो कभी पृथक नहीं हो सकते। शक्ति शिव के बिना अधूरी है। शिल्प शक्ति के बिना शव के समान है। शिव शक्ति पुरुष प्रकृति का संतुलन सदैव अनंत कार्य सिद्ध होगा। शरीर में यदि स्त्री तत्वों की ऊर्जा है तो शरीर निर्जीव है। शिव के संपूर्ण रहस्यों को समझ लेना भक्ति ज्ञान और तपस्या की पराकाष्ठा है। जब ज्ञान के लिए शब्द पर्याप्त रहा उदाहरण प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जाता है। केवल आपके लिए ही नहीं अपितु आपके माध्यम से समस्त संसार को शिव और शक्ति की संयुक्तता से पुनः अवगत कराना इस प्रसंग का उद्देश्य था। जो पूर्ण होगा महादेव महादेव। जहां अमृत न विष न सुख न दुख न स्वर्ग न नरक, वही परम आनंद है। उसी परम आनंद तक की यात्रा है तुम्हारी। ये यात्रा आनंद के सानिध्य की है, ये यात्रा सानिध्य के आनंद की है, और इस यात्रा में मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ हूं। मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो, तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम।
हर आरंभ का मैं ही अंत हूं और हर अंत सदैव मेरा ही आरंभ होगा। देव देव महादेव शिवा। पंडित महोदय को अपने अंतिम उत्तर का तात्पर्य बताओ। तात्पर्य ये है पंडित जी, इस जगत में एक गुण, दो गुण, तीन गुण, पांच गुण, ये सारे आरोपण मानव का मस्तिष्क करता है, अन्यथा जगत तो ब्रह्म माया है और ये सारे गुण भी माया मात्र है। सब कुछ निर्गुण है मेरे महादेव की भांति। और गुण तो मात्र लीला का नाम है। साधु 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 साधु। किंतु प्रभु, ऐसा कोई ज्ञान तो इस संसार में है ही नहीं। वेद तो ईश्वर की आराधना, व्रत, तप, ज्ञान आदि क्रियाओं से करना सिखाता है। तो फिर निर्गुण वाली बात सत्य कैसे हो सकती है? वेद में ही सारा ज्ञान है पंडित महोदय। वेद का सही अर्थघटन करना इस समय संभव नहीं। प्रजापिता ने वेद के मंत्र दिए ताकि मनुष्य मात्र अपने गुणों के माध्यम से निर्गुण तक पहुंच सके। किंतु आप सब गुणों की मीमांसा में ही रुक गए। प्रश्न भी आपका और उत्तर भी आप ही का। व्रत, तप, दान, यज्ञ इत्यादि से ही संसार का निर्वाह होता है। किंतु उसी वेद में ईश्वर प्राप्ति के लिए निर्गुण बनने का मार्ग छिपा हुआ है। उस ज्ञान को आप देख नहीं पाते पंडित महोदय, इसीलिए अपने आप को देवताओं से अधिक ज्ञानी समझते। पंडित महोदय, ज्ञान का भ्रम अज्ञानता का प्रथम लक्षण है। जिस प्रकार भरे हुए पात्र में कुछ नहीं समाता, उसी प्रकार ज्ञान के अहंकार से भरे मन में अधिक ज्ञान नहीं समाता। सकता हूं अवश्य ऋषि कश्यप, यहां प्रश्न नहीं वहां जिज्ञासा नहीं, और जहां जिज्ञासा नहीं होती वहां ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती। निसंकोच होकर पूछिए। प्रभु आप तो कालोपरि हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, चारों ओर ये जो अज्ञान का अंधकार फैल रहा है उसमें ज्ञान का मूल अर्थ कहीं ना कहीं खोता जा रहा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है प्रभु, किसी अन्य विषय पर चर्चा आरंभ करने से पूर्व हमारे और इस समस्त संसार के कल्याण और मार्गदर्शन हेतु आप ज्ञान की मूल परिभाषा से एक बार हमें पुनः अवगत करवाएं। ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए ज्ञान और अज्ञान की विशेषताओं का स्मरण करना आवश्यक है। जिसके कारण स्वार्थ, विनाश, क्रूरता, अशांति और भय में वृद्धि हो वह ज्ञान है। किंतु जो व्यक्ति को उदार, निर्भीक, सहनशील और विनम्र बनाए वह
ज्ञान है। अज्ञान की शक्तियां दुरुपयोग करने हेतु प्रेरित करती हैं, किंतु जो अपनी शक्तियों और अपने सामर्थ्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझाए, जो ना केवल अपने अपितु अपने से पहले संसार के उद्धार हेतु प्रोत्साहित कर, वो ज्ञान है। ज्ञान का मूल उद्देश्य ही परोपकार है, सृजन है, दूसरों की भावनाओं को समझना, उनका आदर करना, यही ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान हमें ना केवल अपने अपितु तो दूसरों के दुख और सुख के प्रति भी संवेदनशील बनाता है। किंतु जो दूसरों की भावनाओं का अनादर करे, उसे ज्ञान की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है? अज्ञान के कारण व्यक्ति सांसारिकता में बंधता जाता है, वो माया में उलझता जाता है। अज्ञान परम सत्य से दूर ले जाने का माध्यम है, किंतु ज्ञान व्यक्ति को परम सत्य की ओर ले जाता है। ज्ञान मुक्तिदायक है, मोक्ष का मार्ग और इस मुक्तिदायक ज्ञान का सर्वोच्च रूप है आत्मज्ञान, और यही ज्ञान की पूर्णता भी है। ज्ञान और अज्ञान का ये अंतर संसार में राजा ने सत्यार्थ की हत्या कर दी। सत्यार्थ की पत्नी ने अपने शिशु के साथ अपनी रक्षा करने हेतु वन में शरण ली, किंतु अब तो वो भी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। भक्ति का उचित मार्ग बताए हमें, ताकि मेरी भांति दूसरा कोई भूल ना करे। भक्ति मुक्ति का आधार है पुष्पधर, और मुक्ति तो केवल समर्पण से ही संभव होगी, और समर्पण के लिए पुष्प नहीं, स्वर्ण नहीं, आभूषण भी नहीं, रत्न नहीं, धन विधि विधान नहीं, केवल अपने मन को अर्पित करना अनिवार्य है। जानना चाहते हो पुष्पधर, कि वो कौन से पुष्प हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय है? इंद्रियों का नियंत्रण, दया, चांद, तप, क्षमा, ज्ञान और सत्य। और जब कोई मेरे इन पुष्पों से आराधना करे, मैं अवश्य प्रसन्न होता हूं। भक्ति में भव्यता आवश्यक नहीं है पुष्पधर, अपितु सरलता आवश्यक है। भक्त के लिए ये समझना अत्यंत कठिन हो जाता है, प्राय भक्ति कब मोह में परिवर्तित हो जाती है, और ऐसे में पथ भ्रमित होना अनिवार्य है। अहिंसा का व्रत कर रहे हैं, किंतु अधिकांश व्यक्ति तो शस्त्रों से सुसज्जित होकर घूम रहे हैं।
रक्षा के लिए बड़े दुर्ग बनाए जा रहे हैं, कवच बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं योग और शुभता के कवच का त्याग कर दिया, क्योंकि अब शुभता उनके लिए जीवन को जीने का आधार नहीं रह गई, क्योंकि योग तो अब केवल उनके लिए कठिन सी साधना है। जो व्यक्ति, जो समाज योग से और साधना से जितना विमुख होगा, वो समाज आत्मरक्षा के लिए कवच, दुर्ग और अस्त्रों और शस्त्रों के निर्माण हेतु सदैव विवश होगा। व्यक्ति के अंतर मन से शुभता जितनी ही क्षीण होती जाएगी, योग की अग्नि जितनी कम होती जाएगी, उसके जीवन में अंधकार की अग्नि भी उतनी ही प्रचंड होती जाएगी। समाज में ऐसे अभिमानी और अहंकारी व्यक्तियों की संख्या सदैव बढ़ती रहेगी भक्त। समाज में उतनी ही तीव्रता से युद्ध और अस्त्रों के अनुनाद की दिशा में अग्रसर होगा। किंतु पिताजी, जो समाज योग शुभता से विमुख होता जा रहा है, उन्हें कैसे लौटाया जाए? प्रयत्न चाहे एकमात्र किसी के भी धरातल पे चले, जब तक सृष्टि के किसी भी अंश, जब तक एक प्राणी की शुभता और योग के द्वारा इस समाज को संचालित करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा, जब तक वो शुभता और योग को केवल शोभा की वस्तु नहीं समझेगा, तब तक सृष्टि में शुभता की पराजय असंभव है पुत्र। तब योग बल और शुभता का समापन नहीं हुआ। परिस्थितियां कैसी भी विकट हो पुत्र, अहंकार के अंधकार का आवरण चाहे कितना भी घना, आध्यात्म योग और शुभता का एक लघु दीपक भी सदैव उस पर विजय होता रहेगा। मेरा ये कथन सदैव स्मरण रखना पुत्र, मन के हारने से हार है और मन की जीत में ही जीत होती है। अपने मन से शुभता और योग को तुम कभी भी विस्थापित नहीं होने देना। स्वामी, असुरों को ऐसा क्यों लगता है कि देवताओं के पतन में ही उनका उत्थान है? क्यों वो दोष अपने आचरण में नहीं देख पाते? स्वामी, असुर समाज इस प्रकार कभी भी स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकेगा। हाँ पार्वती, किसी का पतन किसी के उत्थान का आधार नहीं बन सकता। उत्थान तो व्यक्तिगत होता, आंतरिक होता। जब किसी समाज में प्रत्येक व्यक्ति इस आंतरिक उत्थान के लिए अग्रसर, तभी समाज में परिवर्तन वास्तविक रूप से संभव है। प्रतिशोध में हिंसा, हिंसा जितनी क्षति किसी दूसरे को पहुंचाती है पार्वती, उसे कहीं अधिक क्षति स्वयं को पहुंचाती। असुरों में सदैव केवल यही देखा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने परिस्थितियों और व्यक्तियों को दोष देकर प्रतिशोध लेने का प्रयास किया, किंतु किसी ने कभी ये नहीं सोचा पार्वती कि जिसे वो अन्याय समझ रहे, क्या वास्तविकता में वो अन्याय है भी या नहीं, और यदि अन्याय है तो उसके कारण क्या। असुरों ने कभी भी अपने अंतर मन में झांक कर नहीं देखा कि क्या कभी उनसे भी कोई भूल हुई थी। आत्मविश्लेषण का कभी कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने सदैव केवल यही समझा कि त्रिदेव ने और देवताओं ने उनके साथ विश्वासघात किया, किंतु उन्होंने अपने द्वारा किए गए विश्वासघात पर कभी विचार नहीं किया।
मांगा है उन्हें अवश्य प्राप्त हुआ है, किंतु विडंबना देखो, उन्होंने उन वरदानों का सदैव दुरुपयोग ही किया व्यक्तिगत कारणों के लिए, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। तो केवल अविश्वास से आती है, स्थिरता के लिए विश्वास अनिवार्य। विश्वास और शांति की निरंतरता बनाए रखना कैसे संभव है? इस नकारात्मकता का प्रसार हम कैसे रोकें प्रभु? केवल इस जागरूकता से कि सब कुछ अहम से संबद्ध नहीं। जब भी किसी व्यक्ति के कार्य में अहम भाव प्रबल हो तो अहंकार व्यक्ति जैसा भी हो उसे अस्तित्व केवल वैसा ही प्राप्त होता है। व्यक्ति यदि अपने कर्मों के लिए अपने को उत्तरदायी समझे तो स्वतंत्र था। जब तक व्यक्ति किसी और को उत्तरदायी समझेगा तब तक वो निर्भर रहेगा। व्यक्ति यदि ये सोचे कि उसके दुख का कारण कोई और है तो सुखी कैसे रह पाए? यह असंभव है, क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करना उसके वश में नहीं, वो तो केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। यही एक स्वतंत्रता है उसके पास। जो पीड़ा है, जो कष्ट है, व्यक्ति के अपने फल है, अपने निर्णय के फल। और जिस दिन वो अपने निर्णय परिवर्तित कर ले उसी दिन उसके जीवन में परिवर्तन भी आ जाएगा। जिन्होंने जीवन के प्रति घृणा सिखाई उन सभी व्यक्तियों ने पृथ्वी को नरक बनाने में अपना योगदान दिया। इसलिए अधिकांश व्यक्ति अपने दोष, अपनी त्रुटियां और अपनी व्यर्थता को जीवन पर आरोपित कर मुक्त हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन ऐसा ही होता है और उसके समक्ष को विवश। वो ये नहीं समझते कि वो जिन प्रवृत्तियों को लिए वो प्रवृत्तियां दुख को जन्म देने वाली वृत्तियां हैं। वो अपनी अज्ञानता की गहराई से अनभिज्ञ है और वो अपने अहंकार में ये स्वीकार नहीं कर पाते कि वो तो कुछ जानते ही नहीं। अहंकार सर्वज्ञता का भ्रम उत्पन्न करता है। न जानने की स्वीकृति बहुत बड़ी विनम्रता है और वही पवित्रता भी है। हमें संसार में संतुलन को बनाए रखने के लिए पवित्रता के आधिक्य की आवश्यकता है। किंतु प्रभु, इस पवित्रता में कौन से लक्षण अनिवार्य? अनेकों लक्षण है, किंतु इन परिस्थितियों में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है सतत्व। सकारात्मक ऊर्जा का सबसे पावन स्वरूप सतत्व। इस सतत्व पर मात्र विश्वास ही पर्याप्त है व्यक्ति को सुरक्षित रखने के। किसी व्यक्ति से नहीं गणेश, मानसिकता से होता है। युद्ध में संघर्ष अच्छाई या बुराई का नहीं होता, सभी में अच्छाई है और बुराई भी है पुत्र। युद्ध तो विचारधाराओं का होता है। व्यक्ति अपने पराक्रम पर, अपनी क्षमता पर विश्वास कर युद्ध करता है और जब उस विश्वास को क्षति पहुंचती तो सब कुछ निरर्थक प्रतीत होने लगता है। किंतु आपसे पराजित होकर भी लोहितान क्यों नहीं समझ रहा? उसे अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग कर उचित मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति अपने को खो दे समझती, व्यक्ति अपने को समर्पित कर दे
छोड़ दे अहंकार को तो हम की इच्छा ही पूर्ण होती है और अभी भी वही फलित हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम उससे भिन्न फलित करा लेंगे, लेकिन व्यक्ति भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटे, नष्ट हो। एक नदी में एक बार बाढ़ आ गई पुत्र, दो छोटे से तृण उसमें बह रहे थे और उसमें से एक नदी में तिरछा पड़ गया और वो बाढ़ को रोकने का प्रयास कर रहा था। वो अत्यंत ऊंचे स्वर में कह रहा था कि नदी को आगे नहीं बढ़ने देगा, यद्यपि नदी तो बस बढ़ती ही जा रही थी। वो फिर ऊंचे स्वर में यही कह रहा था कि मैं इसे अवश्य रोकूंगा, यद्यपि रोक नहीं पा रहा था। नदी को तो उसके संघर्ष का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, किंतु नदी को उसके होने या ना होने से क्या होता था। उस कण के लिए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण था, उसका जीवन तो संकट में था, वो तो बस बहे जा रहा था। वो जहां भी पहुंचता, किंतु उसे पहुंचना तो संघर्ष करके ही था, किंतु ये बीच का क्षण, ये बीच का काल दुख पीड़ा द्वंद्वता का काल है। वही दूसरी ओर जो दूसरा तृण था, उसने अपने को समर्पित कर दिया, वो तो नदी में सीधा पड़ा हुआ था। नदी के प्रवाह के साथ साथ बहता जा रहा था और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो नदी को दिशा दे रहा है, उसे प्रवाहित होने में सहायता कर रहा हो। वो तो ये निश्चय कर बैठा था कि नदी को समुद्र तक पहुंचा कर ही रहेगा, किंतु नदी को उसकी उपस्थिति का भी आभास नहीं था। नदी पर उन दोनों के होने या ना होने का कोई प्रभाव नहीं था, नदी तो बस बहे जा रही थी। ब्रह्म की इच्छा को जाना नहीं जा सकता, किंतु ब्रह्म के साथ एक अवश्य हुआ जा सकता है, और तब व्यक्ति की अपनी इच्छा तो खो ही जाती है, केवल उसकी इच्छा ही शेष रह जाती है। द्वैतांग को अपनी आगे की यात्रा पूरी करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय अवश्य लेने होंगे, केवल उसके अहंकार को अभी तो उसके आत्मसम्मान को भी क्षति पहुंची। जहां से इस युद्ध का अंत हुआ है, वहीं से लोहितांग के अंतर युद्ध का आरंभ हुआ है, और जो भीतर पराजित होता है उसे हर दिशा में केवल पराजय ही दिखती। भैया भी आपकी भांति तपस्या करते हैं और वो कह रहे थे कि जिसके पिता स्वयं योगेश्वर और माता आदि शक्ति पार्वती हो, उसका तपस्वी होना पूर्व नियत ही नहीं अपितु उसका धर्म होता है। पिताजी, जिस प्रकार भैया का कर्तव्य है, उसी प्रकार क्या हमारा भी कोई कर्तव्य है? अवश्य है पुत्री। तब द्वारा धर्म और कर्म के नए अध्यायों को जाकर करना। किंतु आप महादेव हैं और हम आपकी पुत्री, बिना तप के धर्म
और कर्म के नए अध्याय को उजागर नहीं कर सकते? क्या आप हमें ऐसा कोई वरदान नहीं दे सकते? अवश्य दे सकता हूँ पुत्र, किंतु तप के बिना जो भी प्राप्त होता है वो शुभ नहीं होता, वो सत्य नहीं होता, वो सुंदर नहीं होता। मैंने बालक उपमन्यु को भी ज्ञान हेतु गुरु की शरण में जाने का मार्ग दिखाया। मैं चाहता तो वरदान देकर उसे ज्ञानी बना सकता था, किंतु बिना परिश्रम बिना तपस्या के जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो संपूर्ण नहीं होता। तुम्हें सभी सुखों की प्राप्ति होगी, किंतु तपस्या के बिना समस्त संसार भी मिल जाए वो व्यर्थ है। तुम्हारी माता ने भी मुझे प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। तो क्या हम भी नहुष को बिना तपस्या के प्राप्त नहीं कर सकते? अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, किंतु तपस्या के पश्चात नहुष को प्राप्त करने का सुख कुछ और ही होता है। उस संबंध की परिपक्वता अतुलनीय होगी। उस विवाह से तुम जिन महान दायित्वों की पूर्ति करने जा रहे हैं उसका मार्ग तपस्या से ही प्रशस्त होगा। ओम के 3.5 भाग हैं। इन सभी की संधि से ओम का उच्चारण होता है। पहला भाग है अ, बोलिए मेरे साथ, बोलिए और मुझे बताइए कि आपको स्पंदन की अनुभूति कहां हुई। बताइए स्पंदन का आभास कहां हुआ आपको? वो आपका ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान? अ की ध्वनि ब्रह्मदेव के साथ ही स्पंदित होती है। दूसरा भाग है उ, कहिए मेरे साथ, कहिए से यहां तक। वो विष्णु स्थान है। आपके शरीर का केंद्र ऊ की ध्वनि नारायण से स्पंदित होती है। और तीसरी है म, सभी के कंठों में वास करते हैं वो। केवल हमें उनका आह्वान करना आना चाहिए। देखो एक प्रकार से शरीर भी त्रिदेवों से ही बना है। अ से उत्पत्ति होती है, स्वनिर्माण का स्थान है।
भरण पोषण करता है, पूरक है। म निर्मल करता है, शुद्धिकारक है। स्वाधिष्ठान मणिपूरक विशुद्धि। त्रिदेवों की अर्धांगिनियां भी अपने अपने स्वामियों की सहायता करती है। ज्ञान युक्त सृजन में ब्रह्मदेव के साथ माता सरस्वती है। श्री व संपदायुक्त पोषण हेतु नारायण के साथ माता लक्ष्मी है। विनाश और पुनरुत्थान हेतु महादेव के साथ माता पार्वती है। तुमने तो कहा था कि 3.5 है विप्लाद, तो तुमने तो 3 ही बताई। यार दुबाग कौन है? मुझे प्रसन्नता हुई जानकर कि आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। 3 नादों के उपरांत आंशिक नाद उसका है जिसमें तीनों निहित हैं, परंतु जिसका नाद नहीं होता, अर्थात शून्य, शांति। क्या आप ओम का उच्चारण कर उसकी अनुभूति करना चाहेंगे? प्रहार किया, तुम्हें ज्ञात नहीं है इस अपमान का परिणाम कितना विनाशकारी होगा। मेरे पास मां काली की शक्तियां हैं। अघोर पंथ के अनुसार माता काली की शक्तियां सभी के लिए उपलब्ध हैं, किंतु तेरी काली का आह्वान करना सबके लिए संभव नहीं। संभव नहीं, आह्वान करना संभव नहीं। मूर्खम मूर्खम मूर्खम। माता काली हमारे द्वारा रचे गए यंत्र में बंधक है, बंधक। उनकी ऊर्जा हमारे द्वारा रचे गए उस यंत्र में अवशोषित है, इसीलिए हम जब चाहें जैसे चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। यह सब ज्ञात होते हुए भी तुम उसका दुरुपयोग करना चाहते हो। मृत्यु मिलेगी तुम्हें, तुम्हें मृत्यु। मूर्खम मृत्यु आश्चर्य है मुझे, एक अघोरी मृत्यु का भय दिखा रहा है। किंतु मुझे प्रसन्नता है कि तुमने अपनी वास्तविकता का प्रमाण दे दिया, सिद्ध कर दिया तुमने। तुम बाहरी व्यवहार और वेशभूषा में भले ही अपने आप को अघोरी दर्शाते, किंतु तुम्हारी विचारधारा उसके विरुद्ध है, विपरीत। अघोरी के लिए क्या जीवन, क्या मृत्यु मनी। अपमान सम्मान जैसी शब्दावली अघोरियों की विचारधारा का अंश कभी नहीं होती।
कि वो जो घोर ना हो, जो स्वयं भय से मुक्त हो, सरल जीवन, सहज विचार जिसके प्रमाण हो, वही है सच्चा घोरी। तुम कहते हो कि काली को तुम्हारे द्वारा दी गई बलि अति प्रिय है, उसे मनुष्यों का रक्त अति प्रिय है। तुम ना केवल इन अघोरियों को भ्रमित कर रहे हो, अभी तो समस्त संसार की दृष्टि में अघोरियों की अनुचित परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हो। जो अपने अहंकार, अपने विकारों की बलि देकर स्वयं को पवित्र कर सके, वही है सच्चा घोरी। प्रभु, क्या संसार में केवल सुख का होना संभव नहीं है? प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही तो है। परमानंद की प्राप्ति, किंतु हम सुख नहीं, सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। सब संसार माया, सब कुछ नश्वर। इन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझ कर एकत्रित कर रहे हैं, वो सदैव नहीं रहे। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते, सदैव इन्हें खोने के भय में जीते। वो जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं, वो अहंकार में जीते। और जहां अहंकार और भय उपस्थित हो, वहां सुख कैसे रह सकता? किसी को ये दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ उसे ये दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। इसलिए आवश्यकता है अनासक्त रहने की। शिव 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 शिव